नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आज भी हमने एक लाइव ट्रेड लिया है। 31,200 की कॉल हमने शॉर्ट की है, लगभग 225 क्वांटिटी एट द प्राइस ऑफ 267। तो सबसे पहले इसका हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। फिलहाल देख रहे हो 5,000 के आसपास, 7,000 के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है। विद इन 30-20 सेकंड्स के अंदर इतना प्रॉफिट मिल रहा है, तो दोस्तों कभी भी अच्छा होता है कि उसको बुक कर लेना चाहिए। तो चलिए मार्केट ऑर्डर में इसको ट्राई करता हूँ शॉर्ट पोजिशन कवर करने की। चलिए प्लेस हो चुका है, देखते हैं ऑर्डर्स में जाके कंप्लीट हुआ कि नहीं। दोस्तों हमारा ऑर्डर ये शायद रिजेक्ट हो चुका है, कोई बात नहीं, हम फिर से एक बार ट्राई करेंगे। अगर ऑर्डर्स क्योर अप नहीं हो रहे तो सबसे पहले आपका स्टॉप लॉस जो भी है उसको मॉडिफाई कीजिए और अपने प्राइस के अंदर लेके आए, तो वही मैं करने की कोशिश करूंगा। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, चलिए बाय कर देता हूँ। ऐसी चीजें हो सकती है, इसके लिए आपका माइंड सेट तैयार होना चाहिए दोस्तों। तो मैं स्टॉप लॉस पहले 266 लगा दिया हूँ, मेरे सेलिंग प्राइस के नीचे 1 रुपया। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, वेट करेंगे। मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, प्राइस ऊपर आ चुका है और अभी फिलहाल 7,000 से प्रॉफिट ड्रॉडाउन होके 2,000-3,000 के आसपास दिखा रहा है। हमने ट्राई तो किया था 2-3 बार, लेकिन फिर से एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं क्या होता है, कुछ होता है कि नहीं, चीज़ें चेक करेंगे। अभी 3,000-4,000 के आसपास दिखा रहा है, शायद ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का कोई दिक्कत हो सकता है, इशू हो सकता है। देख सकते हो अभी प्रॉफिट, ओके स्क्वायर हमारा स्टॉप लॉस निकल चुका है, 13 रुपीज़ का लॉस बुक किया हमने 13 रुपीज़ का। ट्राई करेंगे दोस्तों और एक दो ट्रेड लेंगे, क्योंकि अभी भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में है। मेरा जो रिस्क पर डे का रहता है अभी भी वो नहीं है गया, तो मैं ट्राई करूंगा वो ट्रेड लेने के लिए। फिर से दोबारा वही शॉर्ट क्वांटिटी, वही लॉट हम शॉर्ट करेंगे 31,200 की एट द प्राइस ऑफ 269.50। चलिए देखते हैं मिला है कि नहीं। वोलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा है मार्केट ने, विद इन 1 या 2 मिनट के अंदर 200-300 पॉइंट का ऊपर और नीचे मोमेंटम कर दिया है, इसलिए ऑप्शन के प्रीमियम जो है बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं दोस्तों। क्योंकि मतलब ये होता है, क्योंकि आज वेडनेसडे है तो प्रीमियम थोड़ा डिके होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो ट्राई करेंगे, चेक कर रहा हूँ मैं अभी। वोलेटिलिटी के कारण मुझे चेक करना पड़ रहा है कि मिला है कि नहीं मिला है। ठीक है, मिल चुका है हमें यहाँ पे, इसका स्टॉप लॉस लगा देते हैं। स्टॉप लॉस में ट्राई कर रहा हूँ 281 के आसपास, ठीक है लगा देते हैं 281.75। दोस्तों मेरा स्टॉप लॉस जो है अभी का वो 12 पॉइंट का ही है, मतलब 2000 की मैंने रिस्क ली है 2200 के आसपास की। फिर से एक बार ट्राई करेंगे कि देखते हैं, अभी ऊपर आ चुका है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैंने आपको बताया था सुबह हमने प्रॉफिट बुक करने की कोशिश, देखिए यहाँ पे 2800 रुपये का लॉस बुक हो चुका है हमारा। दोस्तों इस चीज़ों के लिए आपके लिए तैयार रहना है, ट्रेडिंग करना है तो ये सारी चीज़ें होगी, क्योंकि अगर वोलेटिलिटी मार्केट में बढ़ती है तो आपको एक तो वेट करना है, नहीं तो अगर वेट करते रहोगे तो पॉइंट निकल जाएगा एंट्री का। फिर से एक बार ट्राई करता हूँ, वही स्ट्राइक प्राइस रहेगा, वही क्वांटिटी रहेगी, लेकिन प्राइस हमारा डिफरेंट रहेगा। 282 के आसपास सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हमारा तीसरा ट्रेड है सुबह से। अगर फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट मिल जाता तो हम वहाँ से एग्जिट करके दिन खत्म कर देते, लेकिन वैसा हुआ नहीं। ठीक है, उसका कभी भी ट्रेड लेते हो सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए मैं इसका स्टॉप लॉस प्लान कर रहा हूँ 289.91। देखिए इसका स्टॉप लॉस भी चला गया, लगाते चला गया 5,000 का हमने लॉस बुक कर लिया है। 31,200 की कॉल छोड़ देते हैं दोस्तों, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और स्ट्राइक प्राइस भी ऊपर आ चुका है 31,200 के। तो मैं ट्राई करूंगा 31,300 की कॉल शॉर्ट करने की, तो इसमें आखिरी ट्रेड होगा हमारा ये। ठीक है, 9 लॉट एट द प्राइस ऑफ 240.85 लास्ट ट्रेड होगा हमारा ये दिन का, जो भी रहेगा हम देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं सेल का बटन दबा दिया हूँ और ये हमारा ऑर्डर मिल चुका है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि स्टॉप लॉस लगाना है आपको, कभी भी ट्रेड लेते हो सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस प्लान कर रहा हूँ मैं 250 के ऊपर ही लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ पे एक स्विंग दिख रहा है मुझे। ठीक है, 251.75 का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, आखिरी ट्रेड रहेगा दोस्तों, जो भी होगा यहाँ से हम आज का ट्रेडिंग सेशन बंद कर देंगे। चलिए देख सकते हो अभी हम लॉस हमारा कवर हो रहा है, जो स्ट्राइक प्राइस लिया था उसमें 231 के आसपास आ चुका है और मैं पॉज किया था वीडियो, अभी 5,700 के आसपास, 8,000 के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है हमारा। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। चलिए मैं प्रॉफिट बुक करने की पूरी कोशिश करूंगा, अभी 8,000 के आसपास दिखा रहा है, मोर देन 7,000 का एम रहेगा। अभी इसको भी मार्केट में निकालने की कोशिश करेंगे, मैं बाय का बटन दबाऊंगा। सुबह से 3 बार हमारा ऑर्डर मिसमैच हो चुका था, पता नहीं क्या हुआ है, प्लेटफॉर्म के साथ ऑर्डर स्क्वायर अप नहीं हो रहा था, तो ट्राई करूंगा कि पहले मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल करूँ, हो सकता है फिर भी एक बार ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे दोस्तों, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ, रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, सब चीज़ें एक साथ कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा हो सकता है इधर उधर। ये देखिए ये भी कैंसिल हो गया, मैं बोला था आपको, तो सबसे पहले इसको कैंसिल कर देते हैं, स्टॉप लॉस को कैंसिल कर देते हैं सबसे पहले, और जाके अभी हमारा पोजिशन स्क्वेयर अप कर देते हैं दोस्तों। उसी के साथ मैं बड़े स्क्रीन के ऊपर जाऊँगा और आपको बाकी की चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। चलिए प्रॉफिट बुक करते, फिलहाल 7,000 से ज़्यादा का एम रहेगा, ये देख सकते हो 7,200 का प्रॉफिट बुक किया है हमने। तो चलिए बड़ी स्क्रीन के ऊपर जाके मैं कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। आज का वीडियो एंड तक देखिए दोस्तों, अभी भी कुछ होने वाला है। ठीक है दोस्तों,
ये देख सकते हो दोस्तों बड़ी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। सबसे पहले स्क्रीन रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको। सुबह बहुत ही मजेदार सेशन रहा हमारा, हमने 3-4 ट्रेड लिए, उसमें मैं पोजीशन स्क्वायर अप करने की कोशिश कर रहा था, प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हो नहीं रहा था। मैंने 4 बार ट्राई किया था पहले, और सुबह जो प्रॉफिट दिखा रहा था वो भी उतना ही था, 7000 से मोर था, लेकिन हमने ट्राई किया, प्रॉफिट मिला नहीं, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद हमने 2 बार ट्राई किया 31200 की कॉल में, उसमें लगभग 5000 का लॉस बुक करने के बाद बैंक निफ्टी का स्पॉट का प्राइस भी उसके ऊपर आ चुका था। तो हमने ट्राई किया कि 31300 की कॉल शॉर्ट कर देते, थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी है, तो उसमें हमें प्रॉफिट मिला दोस्तों। ये सुबह के ऑर्डर से मैं दिखा देता हूँ। थोड़ी देर पहले मैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर बात कर रहा था, देख सकते हो ये सुबह हमारा 3 बार ऑर्डर रिजेक्ट हो चुका था, उसके बाद भी 2 बार प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कर रहे थे, ऑर्डर रिजेक्ट हो चुका था। ये होता रहता है दोस्तों, इसके लिए आपका माइंडसेट रेडी होना चाहिए, मार्केट में सब चीजें पॉसिबल रहती है दोस्तों। तो आपको हमेशा आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अपने हिसाब से टाइट रखना है, अपने रूल्स फॉलो करने हैं दोस्तों। चलिए मैं कुछ टेलीग्राम के आइडिया सुबह जो दी थी हमने उसके बारे में बात करती हूं। देख सकते हो हमें सुबह 9 बजे के पहले ही कॉल दिया था कोटक बैंक बाय करने के लिए, उसमें हमारा स्टॉप लॉस मतलब पूरे टारगेट अचीव हो चुके हैं। 2014 का टारगेट दिया था उसने, हाई लगाया 2018 का, तो सारे टारगेट मिल चुके हैं। और रही बात आज के टाइम और डेट की, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देख सकते हो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 11 बज चुके हैं, 30 दिसंबर का टाइम है दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे फ्री में डेली बेसिस पे क्रॉल प्रोवाइड करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक दीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियो बनाएंगे। आज कुछ चार्ट के ऊपर बात करने के लिए नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो वोलेटाइल मोमेंट था उसके लिए, इसके लिए ऐसे ट्रेड लेने के लिए एक्सपीरियंस ही लगेगा दोस्तों आपको। तो एक्सपीरियंस कब मिलेगा, रोज प्रैक्टिस करोगे तब मिलेगा। तो रोज ट्रेड करो, रोज प्रैक्टिस करो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से करो दोस्तों। वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।